यूपी के रामपुर में भाजपा से प्रत्याशी व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा लोकसभा का चुनाव रामपुर की सरजमी पर लड़ रही हैं, पर जयाप्रदा ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाया, तो ऐसे में जयाप्रदा के फैन नाराज हुए हैं। जयाप्रदा के फैन ऐसे भी हैं जो जयाप्रदा नाहटा का जन्मदिन मनाने के लिए जयपुर राजस्थान से चलकर रामपुर आई और जयाप्रदा को गिफ्ट देकर जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद लिया। वहीं फैन दिव्या ने रामपुर की जनता के साथ मिलकर होटल रेडियंस पार्क में केक काटा कर जन्मदिन मनाया और खुशी जाहिर की। मैं इस मौके को कभी भूल नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि आज हम सब लोगों ने रेडियंस होटल में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। खुद जयाप्रदा मैम ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनको गिफ्ट्स भी दिए काफ़ी सारे। ये इस लम्हे का कब से इंतज़ार कर रही थी? इसका मुझे काफ़ी सालों से इंतज़ार रहा है, जो कि मेरा एक ड्रीम था। मेरा फर्स्ट ड्रीम यही था कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही मिलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिली। उनकी जीत को लेके मैं यही कहूँगी कि मैम ही जीतेंगी, भारी से भारी वोटों की संख्या उन्हें मिलेगी और विजयी होंगी। और जो आजम खान जी उनको लेके इतने बड़े बड़े एक्सक्यूज देते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वैसे कमेंट्स उन्हें नहीं करने चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि शी इज लेडीज, कि वो एक औरत है, तो औरत को इस तरीके से कमेंट करने का उनको कोई हक नहीं बनता।